C20 न्यूज चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। रोजाना की तरह दैनिक जन्म राशि फल, तारीख 18/3/2024, श्री शुभ संवत 2080 साके 1945, फाल्गुन शुक्ल पक्ष तिथि नवमी, आद्रा नक्षत्र, दिन सोमवार। आइए सबसे पहले मेष राशि वाले व्यक्ति, आज आपके लिए शुभ अंक 2। मानसिक तनाव, बेचैनी, अनेस, अचानक किसी बात को लेकर बढ़ सकती है। स्वास्थ्य मध्यम स्थिति का रहेगा। दूसरी राशि वृक्ष राशि वाले व्यक्ति, आज आप किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से, किसी की संगत के माध्यम से अथवा सत्संग के माध्यम से कुछ नया कार्य प्रारंभ कर सकते हो अथवा कोई लाभ आपको आज के दिन प्रारंभ होगा। तीसरी राशि है मिथुन राशि वाले व्यक्ति, आप आज राजनीति कानूनी कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हो। चौथी राशि है कर्क राशि वाले व्यक्ति, स्वास्थ्य एवं व्यापार आपका आज विशेष श्रेष्ठ रहने वाला है। पांचवी राशि सिंह राशि वाले व्यक्ति, मकान दुकान व्यापार का कोई नया काम प्रारंभ करते हो आज के दिन तो आपके लिए श्रेष्ठ उत्तम रहेगा। छठवीं राशि कन्या राशि वाले व्यक्ति, किसी बात को लेकर के अनेस अचानक तनाव बढ़ सकता है। स्वास्थ्य पैर अथवा पेट से संबंधित कोई रोग की स्थिति भी बन सकती है। सातवीं राशि तुला राशि वाले व्यक्ति, भाग्य का उदय हो सकता है, नए पद की प्राप्ति एवं स्थानांतरण के योग संयोग आपको आज के दिन बन रहे हैं। आठवीं राशि है वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति, आपका राशि स्वामी मंगल, श्री हनुमान जी के दर्शन करना अथवा पीपल वृक्ष के नीचे दीपक लगाना, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए श्रेष्ठ उत्तम कारक रहने वाला है। नवम राशि धनु राशि वाले व्यक्ति, शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है। कृषि इत्यादि जैसे क्षेत्र से सफलता हाथ लग सकती है। स्त्री पक्ष से भी लाभ प्राप्त होगा। दशम राशि मकर राशि वाले व्यक्ति, विद्या अध्ययन, सरकारी क्षेत्र, स्वास्थ्य उत्तम इत्यादि जैसी स्थितियाँ आपके साथ आज ठीक रहेंगी। ग्यारहवीं राशि है कुंभ राशि वाले व्यक्ति, भाग का उदय हो सकता है, नए पद की प्राप्ति, स्थानांतरण के योग संयोग बन रहे हैं, अटके हुए काम सिद्ध संपन्न होंगे, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। बारहवीं राशि है मीन राशि वाले व्यक्ति, पंचांग के अनुसार आज आपको गुड लक सूचना प्राप्त हो सकती है अथवा राजनीति क्षेत्र से सफलता हाथ लग सकती है। स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। अटके हुए काम सिद्ध संपन्न हो सकते हैं। आपको चाहिए पुखराज नामक रत्न धारण करना, श्रेष्ठ उत्तम कारक रहेगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माँ पिता अम्बरा, जय माँ विंध्यवासिनी।